छोटे से रूप है जो नैतिक शिक्षा वेदों के द्वारा दी जा सकती है, उस तरह की छोटी छोटी पुस्तक आपके बीच में हम लेके आए थे। देखिए, किसी कवि ने कहा है, दो पंक्ति पढ़ रहा हूं, अच्छी लगे तो समर्थन करना, कि लोग कहते हैं कि अगर हाथों की लकीरें अधूरी होती है तो किस्मत अच्छी नहीं होती। लोग कहते हैं कि अगर हाथों की लकीरें अगर अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन वेद कहता है कि अगर सर पर हाथ माता पिता और गुरु का हो तो लकीरों की कोई जरूरत नहीं होती। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे आए हैं। देखिए, आपको पता है कोई बच्ची हाथ खड़ा करना का हमारा पहला गुरु कौन है? हमारा पहला गुरु कौन है? घबरा क्यों रहे हैं? अरे, आप खुद ही है पहला गुरु। मात्र शक्ति के रूप में माता पहला गुरु, सुन ले, दूसरा गुरु पिता और तीसरा गुरु आचार्य, इसके अलावा कोई गुरु नहीं होता। और वो गुरुओं का गुरु देव का देव महादेव, वो अलग बात है, उसने सृष्टि की रचना की है, लेकिन ये तीन गुरु होते हैं। अगर इन तीन गुरुओं का हाथ अगर आपके सर पे है तो आपको विद्या, यश, कीर्ति और धन पाने से कभी कोई नहीं रोक सकता। इन तीन का आशीर्वाद पाना आपका बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए चार पंक्ति बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका घर का आंगन सूना सूना रहता है, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। ओस सी बूंदों सी पवित्र होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां, और बेटा तो रखता है एक पुल की लाज, दो पुलों की लाज को ढोती है बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रतियोगिता में भाग लिया। 2018 में फिर हम आपके बीच में आएंगे एक नई दूसरी पुस्तक लेके प्रतियोगिता के रूप में, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। विश्व के मानवीय निर्माण की कोख को मैं अपने हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। समझ में आई कुछ बात? भविष्य के मानवीय निर्माण की कोख को मैं नमन करता हूँ। आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, संसार में मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है बिना माँ के। मेरे सामने जो भी बैठी है वो भविष्य के निर्माण की कोख है, और बिना अपनी ही नहीं पूरे मानवीय समाज की रक्षा नैतिक गुणों के नहीं हो सकती। अगर आप में कोई नैतिक गुण नहीं है, शिक्षा जो आजकल साक्षरता चल पड़ी है, सरकारों को भी पत्र लिखता हूं कि साक्षरता से राक्षस पैदा होते हैं, लेकिन शिक्षा जिसमें नैतिकता है वह मानव निर्माण होता है। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है, आर्य समाज का प्रयास रहा है। महर्षि दयानंद ने यह एक दीपक जलाया कि बिना मातृशक्ति की रक्षा के, बिना मातृशक्ति के वेद ज्ञान से समाज का निर्माण नहीं हो सकता, तो राष्ट्र का निर्माण तो हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी पुस्तक जिसमें वेद का सार सरलता से हमारे माननीय ओम प्रकाश जी ने एक प्रयत्न किया, छोटी छोटी बूंदे आपके सामने रखी और उस ज्ञान की बूंदों से आप ओतप्रोत हुई हमारे भाई मदनलाल जी तंवर के पुरुषार्थ से। मैं मना करता हूं कि मैं बोलना नहीं जानता, मुझे आप मत बुलाइए। पुरुषार्थ करने वाले लोग जब बोलेंगे, जिन्होंने अपना कर्म किया उसको साकार रूप देंगे, मैं उनको ज्यादा अवसर देना चाहता हूं, कहता हूं आप बोलिए।
आज क्या स्थिति है हमारे राष्ट्र की, समाज की, स्कूल में, विद्यालय में। जो योग्य है वो पीछे धकेल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर दे रहे हैं, जो परीक्षा में जो आपका जांच कर रहे हैं, उनकी भी नैतिकता समाप्त हो गई। मुझे एक छोटा सा अवसर मिला आपकी कॉपियों को जांचने का। सुबह स्कूल की कॉपी शायद मेरे पास भी आई, मैंने जांचा, मैंने देखा कई बेटियों ने बहुत सुंदर लिखा, बहुत ही अति उत्तम। मैं गदगद हो गया कि अगर ये बात जो केवल और केवल कृष्ण के चरित्र को भी नहीं जान पाई, राम के जीवन को नहीं जान पाई, और केवल स्कूल की किताबों को ही पढ़ा, आज वो ये जब लिख रही है कि ओहो कृष्ण जैसा योगेश्वर, जिसकी एकमात्र एक धर्म पत्नी थी रुक्मणी, और एक संतान हुई प्रद्युम्न के रूप में, कहा 16,000 रानियों की बात हो गई, कहा उसको रासलीला करा रहे, कहा उस बिचारे को गाने वाला नाचने वाला बता दिया। योगेश्वर, योगेश्वर तो नहीं था ऐसा चरित्र। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि इस शत्रुयुग में कृष्ण जैसा महापुरुष पैदा नहीं हो सकता, इतना महान था। राम का जीवन देख लो, उसके पीछे सीता का, सीता और रुक्मणी के बिना चरित्र के राम और कृष्ण नहीं बन सकते थे। इस राष्ट्र के सामने जो आपके आया, इस धरती पर जो चरित्र आया, वो सीता और रुक्मणी के अनुरूप में आया, उसके रूप में आया। कोई अस्तित्व नहीं होता है पुरुष का बिना स्त्री के, बिना मातृशक्ति के। तो मैं आपको एक ही बात करता हूँ कि इस नैतिक शिक्षा के लिए अपने आप को तत्पर रखें। आग है ये नैतिक शिक्षा, क्या है? आग है सत्य बोलना, सन्मार्ग पे चलना, अग्नि ने सुपदार आए आसमान। कितनी गजब की बात कही वेद ने, मैं उस अग्नि रूप में अग्नि के पथ पर चलूं, चाहे तप जाऊं चाहे जल जाऊं, लेकिन अपने अस्तित्व को छोड़ती हुई आगे बढ़ूं, ऐसा संकल्प इस मंत्र में। आज एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 121वां जन्म दिवस है। पता है आपको? देखो, हम हमारे राष्ट्र के नायक को नहीं जानते ऐसे सच्चे नायक, क्योंकि मैं देखता हूं वर्तमान शिक्षा पद्धति में, स्कूलों की किताबों में से ये सब अध्याय समाप्त किए जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है जब हमारा चरित्र, हमारे महापुरुष ही हमारे चरित्र है। ध्यान देना बेटियों, जो हमारी ऋषियाँ हुई है, ऋषिकाएँ हुई है, आचार्य हुई है, वही हमारा चरित्र है। जैसा आपने इस पुस्तक में पढ़ा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की में एक सुंदर बात जो उसके अंतर्मन की थी उन्होंने लिखी, उन्होंने भाव प्रकट किए, शायद किसी पुस्तक में नहीं होगा वो भाव जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ, ध्यान रखना बच्चों, 23 जनवरी 1897, 121 वर्ष हो गए। सुभाष लिखते हैं, मेरे प्रिय सुभाष, मैं कहता हूं मेरा प्रिय सुभाष, मेरे बलिदानों को मेरे जीवन से मत तोलो, मेरे देश की परंपराओं से तोलो, मेरे पूर्वजों के शौर्य पराक्रम और कीर्ति से तोलो, मेरी माँ के दूध की पवित्रता से तोलो। कितनी गजब की बात है, मेरी माँ के दूध की पवित्रता से तोलो, धर्म की महानता से तोलो। धर्म कौन सा? वैदिक धर्म। संस्कृति कौन सी? वैदिक संस्कृति, जो हमारे आदि काल से वेदों के द्वारा हमें प्राप्त हुई, आज आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस छोटी सी पुस्तक में भाई मदनलाल जी तंवर ने सुंदर प्रयास किया, आपको एक ऐसा ज्ञान दिया मेरे बच्चों कि मैं कहता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, आने वाले 10 वर्ष के बाद में माता पिता तरस जाएंगे, रो रो के हमारे सामने आएंगे, बोलेंगे हमारे बच्चों को नैतिक शिक्षा दे दो, ये तो पता नहीं क्या इनका जीवन बिखर गया है, टूट चुका है इनका जीवन। आने वाले समय में 50 वर्ष से अधिक आयु नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, भौतिक जीवन को महत्व दिया जा रहा है, शिक्षा पद्धति में भी मैं कहता हूँ पतन का कारण बनेगा। और एक नैतिक शिक्षा के लिए पुकार होगी पूरे मानव समाज के लिए कि आओ कोई तो हो जो नैतिक शिक्षा देवे और इस समाज को अग्रणी कर सके, जीवन दे सके, आयु प्रदान कर सके, ये समय आने वाला है मेरे बच्चों। जाग गए मदन सिंह जी तंवर, और एक प्रयास, एक अग्नि के रूप में अपने आप को जलाते हुए ये प्रयास किया कि क्यों 10 वर्ष के बाद में, मैं तो अभी शुरू करूंगा, और उन्होंने ये काम आरंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी शिक्षकों का।
मैं मुख्य रूप से मेरी जो आचार्य बहन बैठी है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, निर्भय होकर के आपने एक प्रयास किया, सबका धन्यवाद, मातृशक्ति को नमन, मेरा हार्दिक अभिनंदन। अभी राष्ट्रीय वेद गोष्ठी हुई हमारे स्मृति भवन, पता नहीं कहाँ कहाँ से विद्वान आए, कर्नाटका से, उन्होंने एक बात दावे के साथ कही कि हम स्त्री जात को वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं देते, और हमारे विद्वानों ने कहा कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। महर्षि दयानंद ने गार्गी का कोई पता है आपको? विदुषी गार्गी का काल पता है कितना समय हो गया? गार्गी जनक के समय में याज्ञवल्क्य के सामने शास्त्रार्थ किया था। महाराज जनक कब हुए, भगवान राम कब हुए पता है? 10 लाख वर्ष हो गए। 10 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण का 5000 वर्ष पहले। 32 लाख वर्ष पहले राजा हरिश्चंद्र हुए। क्यों याद करते हैं हम उनको? आप और हम क्यों याद करते हैं, क्यों स्मरण करते हैं? क्योंकि उनके जीवन का एक एक क्षण हमारे लिए आदर्श है, चरित्र है। नाना प्रकार की विविधताओं से, नाना प्रकार की बातें, 1000 वर्ष की गुलामी में हमारे पूरे साहित्य को बदल दिया, उस सत्य को बदल दिया, जो हमारा उच्च कोटि का चरित्र था उसको बहुत निम्न रूप में कर दिया। उन विद्वानों ने कहा स्त्री पढ़ने की अधिकारी नहीं है, वेद तो छोड़ो, पढ़ नहीं सकती। हमने कहा अब इनको जूते मारने पड़ेंगे। बहुत भारी विद्वान थे, उनके अंगरक्षक साथ में आए, बड़ा भारी आयोजन था। ऐसी ऐसी जो है सोच रखते हैं, आपको बता दूं बहनों बेटियों, यह है पुरुषों की सोच। आज के जो पाखंडी धार्मिक जो लोग हैं, ये जो बाबा नाना प्रकार के संत और बाबा बने हुए हैं, इनकी एक ही सोच है, जिस दिन स्त्री हमारे सामने खड़ी हो गई, गार्गी खड़ी हो गई, उस दिन याज्ञवल्क्य को सर नीचा करके नमन करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा वाह गार्गी, आज इस जनक की सभा में मैं घोषणा करता हूँ कि आज के बाद में ये कभी भी नहीं कहा जाएगा कि स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती। तुम्हारे वेद के शास्त्रार्थ के सामने मैं झुक गया, मैं नमनित हो गया, इस प्रकार का स्वीकार किया। मैं श्री राजवंश ने इतना बड़ा ऋषि, और जनक ने कहा आज मेरा वो संकल्प पूरा हुआ और मैं आज घोषणा करता हूँ कि मेरी बेटी सीता स्वयंवर के द्वारा विवाह करेगी। ये अपने आप को एक चुनौती थी जनक के लिए कि बेटियां स्वयं चुने अपने पति को। इस प्रकार का सुंदर आयोजन रखा उन्होंने, और आपको सारी उस कथा का पता है। मेरे कहने का मतलब है कि बहन छोटी नहीं, बेटी छोटी नहीं, पत्नी छोटी नहीं, कोई प्रकार की, मैंने क्या कहा, भविष्य की कोख है आप, भविष्य समाप्त हो जाएगा, इतिहास मिट जाएंगे अगर माँ की कोख अच्छी संस्कारित न बन सकी, अगर अच्छी संस्कारों से युक्त न हो सकी, तो सब सारी सृष्टि को मैं समाप्त मानता हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऋषि मुनियों ने कहा। सबको कोटि कोटि वंदन, नमन, धन्यवाद। 2017 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम बोले जा रहे हैं। 6000 फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। और आगे तरह 6000 बता बोले। सेवन खुशी गहलोत बड़े बड़े स्कूल आगे ला। हाँ सुंदरी दिन का है। सभी बच्चे फर्स्ट सुंदरी अब चली गई है। पता नहीं कौन राठौर 8 क्लास। हेलो सब बोल रहा 9B पूनम सोनग्रा। सपना परिहार। 5th स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे 6 क्लास मंजू सीमार।
तरफ।
दूजा जाके दूजा की लेवर है 11th आई अर्चना त्रिपाठी हां तो सही हां चल मोमेंट है 11th आई साहिन खान इसको लाल देखो देखो से देखो पकड़ा आ रही है 11th के वर्षा जयपाल बहुत बहुत धन्यवाद।
वैदिक संस्कृति आर्य समाज से जुड़े हुए सभी महानुभव पधारे हुए अतिथि सभी जो मेरे बच्चों को संस्कार के लिए जगाया आप लोगों ने उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। और मुझे भी लगता है इस चीज़ की ज़रूरत है आज वर्तमान युग में, क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता हमारी संस्कृति पर हावी होती जा रही है। लेकिन इतना अभी भी विश्वास है कि भले ही पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी होती जा रही है, हमारी संस्कृति को दबा सकती है लेकिन मिटा नहीं सकती। अभी ऐसे महापुरुष हमारे समाज में जिंदा हैं, बचे हुए हैं, जो इस संस्कृति को पुनरुत्थान करने में सक्षम रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। लक्ष्मण ने एक बात कही थी, जब राम ने सोने की लंका जीत ली थी और सोने की लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने ताजपोशी किसको की थी, किसको बना दिया था राजा, विभीषण को। लक्ष्मण थोड़ा शरारती था और उसने क्या कहा, क्या भैया इनको राज क्यों दे रहे हो, हमने विजय प्राप्त की है ना, हमें ले लेनी चाहिए ये सोने की लंका। तो राम ने क्या कहा था, ना मैं लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गद अभिगर्यसि, मुझे लक्ष्मण ये नहीं चाहिए सोने की लंका, क्योंकि मुझे तो मेरी जननी और जन्मभूमि ही सबसे प्रिय है। तो हमें अपनी संस्कृति को ही अपनाना है, भले ही पाश्चात्य सभ्यता जो है उसकी चकाचौंध जरूर हमारी संस्कृति पर हावी हो रही है, लेकिन ये प्रबुद्ध जन जो आज हमारे सामने पधारे हुए हैं, अगर ये इस तरह से ही अपने इसमें सहयोग करते रहेंगे तो जरूर हमारी संस्कृति एक दिन फिर से सबसे आगे संस्कार देने वाली बन जाएगी। जय हिंद, जय भारत। दूध बेचने वाला घर घर जाता है, दूध बेचने वाला घर घर जाता है। तो हम दूध बेचने के लिए फिर 2018 में आपके बीच में दूध पिलाने के लिए एक बार पुनः आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बड़ी बड़ी बच्चियाँ ये पीछे खड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चे